हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम पुनीत एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी। सो जैसा कि आप सभी को पता है, हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रही हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने एमसीक्यू सीरीज़ की है, सो उन्हीं एमसीक्यू सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, तो ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकें। ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम एमसीक्यू सीरीज करेंगे ई कॉमर्स की। किसकी करेंगे? ई कॉमर्स की। ओके, और कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आता है, क्वेश्चन को एनालाइज भी करते हैं, तो ये देख के अच्छा लगा। तो देखिए, आज का हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 21। कंपनी यूज डैस नेटवर्क टू ऑटोमेट एम्प्लॉय रिलेटेड कॉरपोरेट प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे B2E मॉडल का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय से रिलेटेड आ गया। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होगी? बिजनेस टू एम्प्लॉय। ये आपको ध्यान रखनी है, फुल फॉर्म भी आपके पेपर के अंदर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 22 क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग नोट अ B2E एप्लीकेशन, यानी कि B2E का मतलब क्या हुआ? बिजनेस टू एम्प्लॉय एप्लीकेशन पे फॉलो कौन सा नहीं होता है जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। सो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी मैनेजमेंट, ये भी B2E में आता है। स्पेशल एम्प्लॉय ऑफर, ये भी B2E में आता है। ऑनलाइन सप्लाई रिक्वेस्ट, ये भी B2E का ही आपका पार्ट रहेगा या आता है B2E के अंदर। एंड लोकेट एप्लीकेशन टैक्स फॉर्म, ये आपका B2E एप्लीकेबल नहीं होता है यहाँ पे। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी आंसर। देन 23 क्वेश्चन, डैश स्ट्रीमलाइन द फ्लो इंफॉर्मेशन एंड सेल्फ सर्विस कैपेबिलिटीज थ्रू ऑटोमेशन। सो 23 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका SCC। इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, शेयर कॉन्टैक्ट सेंटर एंड ऑल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट सेंटर। ओके, यानी कि जहां पे इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, सेल्फ सर्विसेज कैपेबिलिटीज होती है थ्रू द शेयर्ड कॉन्टैक्ट सेंटर से। नेक्स्ट देखिए, 24 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 24 क्वेश्चन, डैश इज ग्लोबल वेब इन विच मिलियंस ऑफ यूजर वर कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि मिलियंस ऑफ यूजर जो है वो एक जगह पे जहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर पे, वो किसकी हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं? तो वो आएगा आपका करेक्ट आंसर ए रहेगा, इंटरनेट। ये तो आप शायद बताने की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, आप सभी को भी पता है कि जहाँ पर मिलियंस ऑफ यूजर्स जहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से कंप्यूटर की हेल्प से, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। नेक्स्ट देखिए, फिर 25th क्वेश्चन, डैश इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलोबरेटिव हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा HTTP, यानी कि HTTP की मैं फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ आपको, क्या होगी आपकी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। वन मिनट, शो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, यहीं पे लिखवा देती हूँ मैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अब बेसिकली होता क्या है, थोड़ी सी कुछ मैं इंफॉर्मेशन दे देती हूँ आपको इसके बारे में। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि किस लिए यूज किया जाता है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए, एंड जिसके जरिए क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। कौन कौन कम्युनिकेट कर पाते हैं? क्लाइंट और सर्वर। एंड HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए ही डाटा को, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए ही डाटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। एंड इंटरनेट के जरिए जितनी भी वेबसाइट ओपन करते हैं, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम जितनी भी वेबसाइट ओपन करते हैं या फिर हम डाटा डाउनलोड करते हैं, पता होगा ना, डाटा डाउनलोड करते हो आप भी, डाउनलोड करते हैं, तो वो हम एच टी
FTP की हेल्प से ही करते हैं या तभी पॉसिबल हो पाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को लगी कि आपको बतानी चाहिए, आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। देन हम बात करेंगे 26 क्वेश्चन की। इंग्लिश फिजिशियंस टिम बर्नर ला वॉज फेमस फॉर द एस्टैब्लिश ऑफ डैश इन 1990। सो किसके लिए फेमस था? 26 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसकी तो फुल फॉर्म बताने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, आप सभी को पता है क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके आ चुके हैं। देखिए फिर 26 क्वेश्चन करते हैं, 27 क्वेश्चन करते हैं हम। 27 क्वेश्चन इज डैश रेफर्स अ काइंड ऑफ ई कॉमर्स विच रेफर्स टू कंपनी सेलिंग और बाइंग फ्रॉम अदर कंपनी। यानी कि जहाँ पर कंपनी सेलिंग और बाइंग कर रही है किसी दूसरी कंपनी से, सो उसको हम कौन सा मॉडल बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं B2B मॉडल, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। ओके, सो करेक्ट आंसर रहेगा इसका सी। एंड 28th क्वेश्चन की बात करते हैं। 28th क्वेश्चन में बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ B2B ई कॉमर्स। इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो अगर पेपर के अंदर पूछा जाए तो। ओके, और B2B जितने भी मॉडल्स हैं उनकी लेक्चर हमने YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख के भी चेक कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स देखेंगे, उनको बेनिफिट मिलेगा, और हम भी जो मेहनत कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी अगर आप शेयर करते हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा? 28 का करेक्ट आंसर आएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इसने बोला कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। बट ये तो सारे B2B के एग्जाम्पल है, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर ये भी बिजनेस टू बिजनेस के अंदर होता है, ऑल ऑफ दीज या इनवॉइस एंड शिपिंग ये भी बिजनेस टू बिजनेस के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी, नन ऑफ दीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 क्वेश्चन। A company that manufacture bicycle may use the internet to purchase tires from their suppliers. This is a example of dash transaction. तो इसका क्या example होगा? इसका कौन सा model इन्होंने adopt किया? So इसने B2B model adopt किया है कि ये क्या कर रहे हैं, tire purchase कर रहे हैं और bicycle को manufacture कर रहे हैं। तो business to business यहाँ पे model क्या रहेगा? Business to business का ये model है आपका। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सो 30 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा डैश साइट एक्ट द इंटरमीडिएटरी बिटवीन सम वांटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड पोटेंशियल प्रोवाइडर। जो पोटेंशियल प्रोवाइडर होते हैं, जो वो प्राप्त करने वाले हैं, उसके अगर इंटरमीडिएटरीज का काम करते हैं तो वो कौन काम करते हैं, कौन सी साइट काम करती है? ब्रोकरिंग साइट जो होती है वो ये काम करती है। सो करेक्ट आंसर इसका ए रहेगा। फिर हम बात करते हैं 31st क्वेश्चन की। 31st क्वेश्चन इज अमंग द अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ B2B ई कॉमर्स। यानी कि बहुत सारे मॉडल पढ़े हैं हमने, बट B2B मॉडल के अंदर डैश इज द बेस्ट मीन टू ओबटेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन मार्केट प्लेस। यानी कि कौन से कॉम्पिटेटिव, कौन सा मॉडल आपके लिए सही रहता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज देता है कंपटीशन को हमें फेस करने के लिए? प्रोसेस बेस्ड, ट्रांजैक्शन बेस्ड। प्रोसेस बेस्ड जैसा कि प्रोसेस में बताया गया है सिम वैसा ही हम फॉलो कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन बेस्ड डेली रूटीन के अंदर, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बेस्ड। तो ये आपका क्या रहेगा? बेस्ट रहता है कंपिटिटिव एडवांटेज के लिए, क्योंकि जैसा जैसा कंपटीशन बढ़ता है उस तरीके की स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट करते हो। ज़्यादा कंपटीशन है ज़्यादा स्ट्रेटेजी अडॉप्ट, कम है कम करते हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू द टाइम अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन जब आप अडॉप्ट करते हो। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी आंसर, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बेस्ड। 32 क्वेश्चन देखिए, डैश फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग अ हाईली इंटीग्रेटेड वैल्यू प्रोपोजिशन थ्रू अ मैनेज्ड प्रोसेस। ओके, यानी कि यहाँ पर आपको बताया गया है 32 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, कि जहाँ पर फोकस किया जाता है प्रोड्यूसिंग हाईली इंटीग्रेटेड वैल्यू प्रोपोजिशन थ्रू मैनेज प्रोसेस, कि जहाँ पर आपको जो सारी प्रोसेस होती है उसको मैनेज करके रखा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा हब। अब हब्स क्या होता है लिख लीजिए थोड़ा सा, इज अ फिजिकल लेयर नेटवर्किंग
device which is used to connect multiple device, यानी कि जो connect करती है multiple device को in a network, वो क्या होते हैं hubs. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 33 क्वेश्चन. डैश इज बेसिकली अ कंसेप्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. तो यहाँ पर कौन सा आप कंसेप्ट अडॉप्ट करोगे. सो जब आप ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन आपने कोई भी प्रोडक्ट को परचेज किया है, ओके, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, सीधा मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक पहुँच रहा है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर. होप्स आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गए होंगे कि मॉडल हमें कौन सा अडॉप्ट करना है, क्योंकि काफ़ी सारे एमसीक्यू हमने इसी के ऊपर बेस्ड किए हैं और ये आपके इजी भी है और आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी रहेंगे मॉडल्स. तो आपको ध्यान रखना है कि ये है आपका बिजनेस टू कस्टमर. देन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 34 क्वेश्चन हम करते हैं. देखिए थर्टी फोर क्वेश्चन देखिए आप. डैश ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ द सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस टू जनरल पब्लिक. सो यहाँ पे तो आपको बताया ही गया है बिजनेस टू जनरल पब्लिक. तो बिजनेस टू जनरल पब्लिक में क्या आएगा, बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर. देन 35 क्वेश्चन देखिए. Which of the following not suitable for B2C transaction? यानी कि B2C transaction के लिए कौन सा जो हमें ऑप्शन दिया गया है वो सूटेबल नहीं है. सो क्लोथिंग भी सूटेबल है, फ्लावर्स भी सूटेबल है, एयरलाइंस रिजर्वेशन भी सूटेबल है, नन. यानी कि करेक्ट आंसर रहेगा इसका डी, आंसर रहेगा नन, ये क्योंकि ये सारे सूटेबल है आपके. देन 36 क्वेश्चन. डैश ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन डैश ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हैज़ एडवांटेज ऑफ इलिमिनेटिंग मिडल मैन. यानी कि जो मिडल मैन को इलिमिनेट कर रहे हैं, मिडल मैन कौन होते हैं, जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं. अब इनके अंदर से कौन सा मॉडल है जो आपको इलिमिनेट कर रहा है, मिडल मैन को इलिमिनेट कर रहा है, तो वहाँ पे आएगा आपका बी टू सी मॉडल, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर. यहाँ पर मिडल मैन कहाँ पे आया, मिडल मैन आया ही नहीं है बीच में. डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग किया, मैन्युफैक्चरिंग ने ऑनलाइन आपने ऑर्डर लगाया और ऑनलाइन डायरेक्ट आपके घर पर प्रोडक्ट पहुंच गया, ओके. नेक्स्ट देखिए 37 क्वेश्चन बोलता है. डैश ई कॉमर्स इन्वॉल्व कस्टमर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन परचेज रिसीविंग प्रोडक्ट ओवर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क. यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू आप इंफॉर्मेशन लेते हो, परचेज करते हो, रिसीव करते हो प्रोडक्ट को, तो वो कौन से मॉडल के अंदर आता है ई कॉमर्स के. सो वो आएगा आपका बी टू सी मॉडल के अंदर. फिर देखिए 38 क्वेश्चन. इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूजर ऑफ बी टू सी ई कॉमर्स. यानी कि कौन सा बी टू सी बी टू सी ई कॉमर्स का यूजर नहीं है. सो करेक्ट आंसर रहेगा इसका नन ऑफ दीज. क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, पब्लिशर भी है. देन 38 क्वेश्चन. डैश ई कॉमर्स इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन कस्टमर थ्रो सम थर्ड पार्टी. यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है और इन टू अ थ्रो अ सम अदर पार्टी, तो वो आपका मॉडल ई कॉमर्स का कौन सा होगा, सी टू सी कौन सा होता है, कस्टमर टू कस्टमर. देन नेक्स्ट देखिए 40 क्वेश्चन. विच अमंग फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सी टू सी. सी टू सी का एग्जाम्पल कौन सा रहेगा, ईबे, amazon.com, rentin.com, all of these. तो ये सभी जो है वो एग्जाम्पल है आपके सी टू सी के. ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा. देन 41 क्वेश्चन पे हम आते हैं. 41 क्वेश्चन इज पीयर टू पीयर इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब. यानी कि पीयर टू पीयर जो आपका मॉडल है वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है आपको सी टू सी मॉडल को, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर मॉडल को, ओके. देन हम बात करेंगे 42 क्वेश्चन की. 42 क्वेश्चन क्या कहते हैं. डैश इज ऑनलाइन ऑक्शनिंग साइट द फैसिलिटेट ऑफ द ट्रेड
of privately owned item between indivisible. So यहाँ पर जो correct answer रहेगा आपका 42 का, वो correct answer रहेगा आपका eBay. इसके बारे में मैं थोड़ा आपको लिखवा देती हूँ. eBay which is when one customer sell goods or service to another consumer लिख सकते हो आप, customer लिख सकते हो online. ओके थोड़ा सा ही राइट डाउन कर लेना, क्योंकि अगर साथ के साथ अगर आप लिखते हो तो आपको बेटर तरीके से समझ आता है. ओके नेक्स्ट देखिए, फिर 43 क्वेश्चन देखिए आप. monster.com इज एन एग्जाम्पल डैश वेबसाइट. कौन सी वेबसाइट का एग्जाम्पल है? तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी टू सी वेबसाइट का आपका एग्जाम्पल रहेगा ये. एंड 44 क्वेश्चन पे आते हैं हम. देखिए 44 क्वेश्चन. डैश इज एन इंटरनेट नेटवर्क दैट अलो यूजर विद सेम नेटवर्क इन सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट टू ईच अदर हार्ड डिस्क एंड एक्सचेंज फाइल. यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या रहेगा, कि जो इंटरनेट नेटवर्क है वहाँ पर यूजर को सेम नेटवर्क, यानी कि यूजर को अलो करता है सेम नेटवर्क के अंदर सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करते हैं ईच अदर हार्ड डिस्क एंड एक्सचेंज फाइल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका 44 का? 44 का करेक्ट आंसर रहेगा P2P, पीयर टू पीयर. नेक्स्ट देखिए 45 क्वेश्चन की बात करेंगे हम. 45 क्वेश्चन, दिस इज अ प्रोटोकॉल विच अलो फाइल टू बी ट्रांसफर वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. जब वो कौन सा प्रोटोकॉल है जहाँ पे फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो वो आता आपका FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. फुल फॉर्म आपको लर्न होनी चाहिए. कंप्यूटर के पेपर के अंदर बहुत सारी फुल फॉर्म जो है वो पूछी जा सकती है. FTP भी उसमें से एक फुल फॉर्म है जो कि मोस्टली पूछी जाती है आपसे. नेक्स्ट 46 क्वेश्चन देखिए. 46 क्वेश्चन, अ डैश इज डॉक्यूमेंट टिपिकली राइट इन प्लेन टेक्स्ट इंटरपर्स विद फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ HTML. तो 46 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका वेब पेज. यानी कि वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आप राइट करते हो कुछ भी, फॉर्मेटिंग करते हो HTML की इंस्ट्रक्शन को. देन 47, डैश इज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट होम पेज. ये तो पता ही होगा आपको कि होम पेज बोलते हैं हम फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट को. 48 क्वेश्चन, डैश अलो अ पर्सन टाइप ऑफ आयन जस्ट द मेन वर्ड और वर्ड एंड द साइट विल कम इन. सो 48 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका, 48 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका डोमेन. यानी कि जो डोमेन होता है वो अलो करता है पर्सन को कोई भी वर्ड को या फिर कोई भी वेबसाइट के नेम को जानने के लिए. नेक्स्ट देखिए 49, गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, क्या है आपका गूगल जो है वो आपका मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है. 50 क्वेश्चन, अ डैश प्रेजेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ड्राइव सोर्सेज इज यूनिफाइड वे इन आ वेबसाइट. सो क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? सो करेक्ट आंसर रहेगा वेब पोर्टल एंड लिंक पेज प्रेजेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाइवर्स सोर्स इन अ यूनिफाइड वे इन आ वेबसाइट. यानी कि जहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है. सो ये हमने किए हैं आज, हमने 50 क्वेश्चन किए हैं हमने. ओके सो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा. उतना ज़्यादा हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चंस को पहले अरेंज करते हैं, उसके बाद आपको विद रीज़न एक्सप्लेनेशन करवा रहे हैं. सो थोड़ा सा इसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा. सो आप शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और अच्छा लगे लेक्चर तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिए. एंड थैंक यू एवरीवन.